जाति पाति तो हम चाहें खत्म हो, लेकिन अब इस सरकार की अर्थी उठा करके इसका अंतिम संस्कार करना 2024 से पहले हमारी मजबूरी है। मुंदोल लाल खट्टर गुंडागर्दी करने वाले लोगों को वकील करके 8.5 लाख रुपए ओबीसी कोटा से पिछड़ा वर्ग आयोग से पैसे देता है। औरतें नंगी कमाई गई और स्मृति रानी की एक शब्द मुंह से निकला तक नहीं, बैकवर्डों के मुंह के ऊपर मूत तक दिया, गाड़ियां ऊपर चढ़ा दी, पहलवान जो इस देश की नाक शाख थे वो महीनों कहीं वहां बैठे रहे, बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके तो बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ नौकरियां। मैं पूछना चाहता हूं कहां गए वो 15 लाख, कहां गई वो 2 करोड़ नौकरियां, कहां गई किसानों की 2 गुनी आमदन, कहां गए वो जो है ना भ्रष्टाचार का। यूं तो हर नोट के ऊपर भी इंडिया लिखा है, सबसे पहले उन्होंने नोट दोबारा से नए रिजेक्ट होंगे, दोबारा फिर नोटबंदी होगी। हाँ, आज कथ लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि पिछले दिनों जो भर्तियां हुई और 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी बैकवर्ड का मुखौटा लगा करके बैकवर्ड के हकों की हितों की सुरक्षा की गारंटी लेकर के आए और उस गारंटी के साथ साथ किसानों के लिए 2 गुनी आमदन और जो बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ नौकरियां और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महंगाई पे कंट्रोल, महिला सशक्तिकरण, ये सारे वो मुद्दे थे जो भाजपा ने आने से पहले जनता से किए थे। अब ये मुद्दे कहीं दिखाई नहीं देते, अब तो राष्ट्रवाद और धर्म और सनातन और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सिर्फ ये धर्म और आस्था का खेल दिखाई दे रहा है, हिंदू मुसलमान का खेल दिखाई दे रहा है। जो नेशनल इशूज थे उनका तो जिक्र ही बंद कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कहां गए वो 15 लाख, कहां गई वो 2 करोड़ नौकरियां, कहां गई किसानों की 2 गुनी आमदन, कहां गए वो जो है ना भ्रष्टाचार का आलम जो गली गली कूचे कूचे हर दफ्तर के अंदर, और वो महंगाई का मुद्दा जो स्मृति रानी सर पे सिलेंडर उठा करके नाचा करती थी, आज वो बोलने में क्यों खामोश हैं। औरतें नंगी कमाई गई और स्मृति रानी की एक शब्द मुंह से निकला तक नहीं, बैकवर्डों के मुंह के ऊपर मूत तक दिया, गाड़ियां ऊपर चढ़ा दी, पहलवान जो इस देश की नाक शाख थे वो महीनों कहीं वहां बैठे रहे। ये सारी बातें अनदेखी करके सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और इस व्यवस्था में जो बैकवर्ड क्लासेज है, शेड्यूल कास्ट है, वो इस सरकार के लिए बिल्कुल मर चुकी है, क्योंकि अभी जो पीछे हरियाणा के अंदर जो भर्तियां हुई, मुख्यमंत्री जी ने 8-10 जजों की जो सिफारिश हाईकोर्ट के अंदर की वो सारे अपर कास्टों से हैं, बैकवर्ड का कोई नहीं। जो इंस्पेक्टर भर्ती हुए एक्साइज सेल टैक्स, उनमें बैकवर्ड का नामो निशान नहीं। 2000-1500 के करीब अभी अभी भर्तियां चल रही हैं जो प्रोफेसरों की, उनमें सब आरएसएस के लोगों की सिफारिश चल रही है। बैकवर्ड की लगभग 500 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 10-15 में निपटा दिए गए। और अब तो बिल्कुल ही चाड़ा पाड़ दिया कि जिस प्रकार की एचसीएस की भर्ती में 61 अभ्यर्थी चयनित किए और रातों रात दिनों दिन करके 2 दिन के अंदर वो भर्ती कंप्लीट कर दी गई, जिसमें 44 डायरेक्ट जर्नल कैटेगरी से लगाए गए और 6 EWS के जर्नल लगाए गए, 80% बैकवर्ड का और 23% शेड्यूल कास्ट का, जो 50% रिजर्वेशन थी, 61 में से 30 कत्ती पद SCBC को मिलने चाहिए थे, वो दिखाई नहीं दिया। इस बात को लेकर के दूसरा नंबर जो है ना, इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, हरियाणा का अलग है, बाहर देश में क्रिमिनलेयर 8 लाख है, हरियाणा की 6 लाख है। ये बात मनोहर लाल खट्टर के पास शायद ज्यादा इसकी जानकारी है। सांसद जी, जब मनोहर लाल की सरकार, इसके बीच में जो अभी जातिगत जनगणना कराते हैं तो वो प्रधानमंत्री ये एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, इससे जातिगत उन्माद पैदा होता है। और जो महिला आरक्षण विधेयक पास होता है उसमें कहीं SCBC की महिलाओं की रिजर्वेशन का कोई ध्यान नहीं है।
ये कुछ मुद्दों को लेकर के आज चंदाना गेट से मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी की अर्थी उठाई गई है, क्योंकि बीजेपी सरकार केंद्र और स्टेट के अंदर ओबीसी इनके लिए मर चुके हैं, इनका हिस्सा इन्हें दिखाई नहीं देता, और ओबीसी एससी के लिए ये सरकार मर चुकी है। अब इस सरकार की अर्थी उठा करके इसका अंतिम संस्कार करना 2024 से पहले हमारी मजबूरी है। इसके फूल तो चुगन 2024 से पहले पहले इसके फूल चुगे जाएंगे। कहां मनोहर लाल खट्टर आंखें बंद करके बैठा है, ये बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन का हिस्सा पूरे देश में है, आप देख सकते हैं 52% बैकवर्ड बताए गए थे, लेकिन अब तो ये 60% से भी क्रॉस हो रहा है अगर जातिगत जनगणना करते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर तो जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है वो इससे भी कम है, और हमारे इस सारे सिस्टम को जब पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर आगजनी हुई, मनोहर लाल खट्टर गुंडागर्दी करने वाले लोगों को वकील करके 8.5 लाख रुपए ओबीसी कोटा से पिछड़ा वर्ग आयोग से पैसे देता है, बताइए कहां है ये सरकार ओबीसी के लिए? ओबीसी के लिए ये सरकार मर चुकी है, और अब इनका अंतिम संस्कार चंदाना गेट से लेकर के फेवा चौक पे आज किया गया। साहिब साहब, अगर बात करें ओबीसी आरक्षण की सरपंची में, सरकार ने वहां पर भी पार्शलिटी की है, क्योंकि बीसी ए और बी वर्ग अपने आप ही बना दिया, लेकिन अब बीसी बी वर्ग को छोड़ दिया, बीसी ए वर्ग को सरपंची में पहली बार आरक्षण दे दिया। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों से इन्होंने सीख रखा है, ये तो ओबीसी को डिवाइड करके के इकट्ठे ना हो, उनका 16% सरपंच 11% तो पहले ही बने हुए थे, अब उनको 8 दिया, आप आंकड़ा उठाओ 11% बीसीए के सरपंच और ब्लॉक समिति जिला परिषद ऑलरेडी बिना रिजर्वेशन के बने हुए हैं, लेकिन अब सीमा फिक्स कर दी कि इससे बाहर आप नहीं जाओगे। देखिए कमाल इस देश का क्या हो रहा, इस देश में बैकवर्ड क्लासेज जो 50% एससीबीसी की रिजर्वेशन के बाहर आप 50% कोटे में अप्लाई ही नहीं कर सकते, इसका मतलब 15-20% लोगों का 50% तो रिजर्वेशन फिक्स कर दिया, ऊपर से 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के माध्यम से वो फिक्स कर दिया, अब 15-20% लोगों का हिस्सा हो गया 60 और 85% लोगों का हिस्सा रह गया 40, उनका तो रहेगा अपने से आधे से भी कम, और अपने जो जनरल कैटेगरी है उसका कर दिया अपने से 4 गुना। ये भेदभाव आपने बोला ओबीसी समाज से देखी हो रही है, बीजेपी ने अब दलीय ओबीसी समाज का प्रदेश दे दिया हरियाणा में, और आपसे भतीजा लगते हैं वो शायद नाते में, पता नहीं भाई लगते हैं, तो फिर आप तो इस चीज में सेशन देखी हो रही है। ये नौटंकी एक कल्ली बीजेपी ने कर रही, कांग्रेस इससे पहले बहुत देर से कर रही है, फूलचंद मलाना को अध्यक्ष बनाती थी, उसके बाद कई बार शैलजा को बनाया, अशोक तंवर को बनाया, अब उदयवान को बना रखा है, खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा, एक टिकट कहने से देने में ये लोग जो पार्टियों के मालिक बने बैठे एक टिकट नहीं दिलवांदे, जब कटारिया था जहां बीजेपी का अध्यक्ष अपनी टिकट के लाले पड़ गए थे, और तो बात छोड़िए किसी की सिफारिश तो क्या करेंगे, अगर वाकई ये हमारा बैकवर्ड का प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो जिस प्रकार 25-25, 30-30 टिकटें एक समाज के लोग ले जाते हैं हर पार्टी में, तो फिर हम कहते हैं अध्यक्ष जी अब सैनिक समाज की भी 25 सीटों के ऊपर बढ़ता है, अगर आप 25 नहीं दिलवा सकते तो कम से कम 15 या 20 तो दिलवाओ। आपने बोला 30 सीटें दिलवा दें, यदि आप तो सीटें दिलवा 15 या 20 सीटों पर हमारी बढ़ता है जहां मेजोरिटी ऑफ वोट है। किस समाज को 30 सीट बीजेपी या कांग्रेस में मिली है, किस समाज को मिली है 30 सीट जो आप बोल रहे हो एक समाज लेता है, किस समाज को मिली है बताइए थोड़ा, जो हरियाणा में शासक रहे हैं। बीजेपी ने तो नहीं दी किसी समाज को 23 सीट, पिछला रिकॉर्ड था उससे पिछला 25 सीट, 26 उससे पिछला रिकॉर्ड था। सांसद जी जातिगत जनगणना की बात आपने किया, राहुल गांधी बोले जातिगत जनगणना के लिए मनोहर लाल खट्टर ने लकीर खींच दी कि हम नहीं कराएंगे, कल को कांग्रेस का बन गया कोई मुखिया वो कहेगा मैं भी नहीं कराता। ये नौटंकी राहुल गांधी अगर कराने के लिए कह रहा है कि मैं 50% की सीमा भी हटाऊंगा, जिस जाति का जो संख्या बल है उसी आधार पर मैं पैमाना फिक्स करूंगा, तो 4 स्टेटों में अभी टिकटें बननी है, अभी मतलब जाति की जनगणना करा के वहां टिकटें दे दे। सब देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, क्या आप नहीं चाहते जाति पाति खत्म हो, और आप गणना की बात करते हो? जाति पाति तो हम चाहें खत्म हो, लेकिन यह इस तरह खत्म ना हो जिस तरह भी मतलब एससी बीसी बिल्कुल खत्म कर दो,
और ऊपरले उपरले लोग जिंदा रह जाए, बाकी के हम सारे उनके आगे फैले, वही वही व्यवस्था आ जाए। जब लोगों के मुंह के आगे हंडी बंदी होती, पीछे झाड़ू बंदे होते और नीचे बिठाना होता, यही जाति पाति खत्म होगी क्या इसी से? इंडिया गठबंधन बना है, आप भी नीतीश से मिले थे, तो क्या चर्चा है, आप इंडिया में जाएंगे? देखिए मैं इंडिया में ही रहूंगा जी, लेकिन वह इंडिया जो सा जिसको हम दैट इज भारत कहते हैं, मेरा मकसद जो है ना, हमारा थर्ड फ्रंट भारतीय पिछड़ा वर्ग कमेरा वर्ग पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनराज पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इन्होंने ऑलरेडी एक गठबंधन बना रखा है। हम 90 की 90 और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टियां भी कहीं हमारे साथ इस थर्ड फ्रंट में आने के लिए, हो सकता है बसपा भी इसी गठबंधन का हिस्सा बने। ये गठबंधन में और भी कई आदमी जो इधर उधर घूम रहे हैं, ले लो मेरे को भी, ले लो मेरे को भी, कैथल में रैली से पहले बड़े मतलब लोगों को मतलब जो है ना मूर्ख बनाने का प्रयास किया, वो भी ये काम वही कर सकते हैं जो सत्ता की भूख में तिल मिला रहे हैं। लेकिन हम कभी किसी तरह से इंडिया वर्ल्ड से गठबंधन के बाद इतनी चिढ़ हो गई है कि सरकार ने एनसीईआरटी की बुकों से इंडिया वर्ल्ड को ही खत्म करने की बात की, जहां जहां पर इंडिया वर्ल्ड है उसकी जगह पर भारत करने की। अब यूं तो हर नोट के ऊपर भी इंडिया लिखे आया, सबसे पहले उन्होंने नोट दोबारा से नए रिजेक्ट होंगे, दोबारा फिर नोटबंदी होगी। अब कहां कहां से नए नोट, इंडिया दैट इज भारत था वो तो रहेगा वैसे, नहीं तो पूरे देश की करेंसी चेंज करनी पड़ेगी कि निकाल लो कोई नोट उसके ऊपर इंडिया है नहीं। आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, आर्थिक बोझ ये तो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे से ज्यादा कोई राष्ट्र भक्त नहीं है। मैं चाहूंगा कि इतना आज यहां से जो अर्थी उठ करके चंदाड़ा गेट से चलेगी और वो जो है ना यहाँ पर पेवा चौक के ऊपर उसका संस्कार किया जाएगा, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर मिलती है। अंतिम सवाल है, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव? मैं दोनों में से जो मेरी पार्टी के और इस गठबंधन के साथी चर्चा करेंगे कि आपका लोकसभा लड़ना जरूरी है, लोकसभा लड़ूंगा, विधानसभा में कहेंगे विधानसभा लड़ूंगा। और ये जरूरी नहीं है कि अभी मैं एक लोग एमपी बनने के बाद भी विधानसभा लड़वा रहे हैं अभी बीजेपी वाले। गुर्जर राजपूत मामला चला हुआ, विवाद और हिंदू कहीं ना कहीं ये दंगे करवाने की कोशिश, आप दोबारा से फिर कैथल में यही चीज एक्टिव हो गए गुर्जर और राजपूत। हकीकत में बीजेपी का ये खेल है कि ये लोग श्रेणी सम्मेलन करते रहे, ये लोग कश्यप सम्मेलन करते रहे, ये लोग कुमार सम्मेलन करते रहे, ये गुज्जर सम्मेलन और ये, अरे महापुरुष किसी एक जात के थे क्या? फूले साहब ने कल्ले किसी एक समाज को पढ़ाया था, उसने तो ब्राह्मणों को भी पढ़ाया था जो विरोध कर रहे थे उस बात का। अंबेडकर ने वोट सबको दिया, उसको तो अपना इस्तीफा देना पड़ा था। प्रियार ई रामास्वामी, ललित सिंह यादव या हमारे जितने भी मतलब रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, वो किसी एक समाज के लिए थोड़ी लड़े, हर समाज के लिए लड़े। बात आती है सर कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे अलग अलग जाति। मैं तो कहता हूँ वो अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि आप 36 ही बना लो ना, कि आप मतलब जो है ना सारे बनाएगा उसके सारे डिप्टी सीएमों का मंत्री बनाने की जरूरत नहीं, सारे डिप्टी सीएम बनागा और आप सीएम बना ले अपने आप को और घोषणा पहले कर दे, इलेक्शन बाद में कर लेंगे। भाजपा ने ताजा ताजा प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया, कहीं ना कहीं वोट की राजनीति यहाँ पर भी आती है, बीसी वर्ग के वोट को खींचने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बदल दिया। आपको मालूम है जो बात भाई ने सवाल किया था, मैं उसका पुनः जवाब देने में ज्यादा वो नहीं समझता, पर फिर भी राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह, कम्बोज और सुभाष चंद्र बोस जैसे सूरमा की गर्दना कटी थी और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इस देश के अंदर बैठ करके अपनी चला गए, वो उनके परिवारों पर झाड़ जाम रहे, तो कहीं आग लगती है तो धुआं कहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं कुछ पक भी जाता है। वर्तमान सैनी की जो पार्टी उस पर क्या असर पड़ेगा जो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा? मैं कोई जाति की पार्टी थोड़ी चला रहा, मेरे पास तो सारे लोग बैठे हैं। नहीं, नेता ओबीसी का नेता आप तो माना जाता है? हाँ, तो मैं ओबीसी का नेतृत्व कर रहा हूँ, नेता तो बहुत है लेकिन मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, बस इतना मेरे को क्या है। चलिए सैनी साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए कि नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं
जो जाट वोट बैंक, यानी उनको दिख रहा है कि जाट वोट बैंक नहीं मिलेगा, तो एक बीसी वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इनको तो लूटने के लिए सारी पार्टियां, फूलचंद मुलाना, फिर शैलजा, फिर उसके बाद अशोक तंवर, अब उदय भान, ये तो इससे भी नीचे बीजेपी वाले खड़गे साहब को बना के बैठते हैं। जब काम टिकटें देने की बात आती है, तब रतनलाल कटारिया जब प्रदेश अध्यक्ष था, उसे अपनी टिकट के लाले पड़ गए। बीजेपी के एमएलए क्या रहेगा इस पर हरियाणा के अंदर? है जी, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमएलए जो है ना, वो घास खोद देंगे अपना, जाएगा हम तेरा कुछ लिया। ठीक है, थैंक यू।